टेस्ट है ये हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि पहले ये आंकड़े जो 7 दिन में बढ़ रहे थे, बीच में 4 दिन में ये आंकड़े दोगुने होने लगे। अब खुशखबरी ये है कि एक बार फिर से आंकड़े दोगुने लगभग 6.5 दिन में हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर जरूर है। उधर मुरादाबाद से एक दुखी करने वाली खबर है, 10 महीने की एक बच्ची समेत यहाँ 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37 हो गई है। तो देश के अलग अलग इलाकों का पूरा हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। रांची के सदर अस्पताल से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 2 दिन पहले यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था, अब मां में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह खबर मिल रही है कि रिम्स अस्पताल में फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। महिला के संपर्क में आए स्टाफ को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। बड़ी खबर, सदर अस्पताल के स्टाफ का अब कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। रांची से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले का यह मामला, जब एक महिला ने हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को जन्म दिया था, अब कोरोना पॉजिटिव, लेकिन जो तमाम स्टाफ हॉस्पिटल का है उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। तो भारत का पूरा हाल, हर अपडेट आप तक हमने पहुंचाई, क्या तस्वीर अलग अलग जगहों से ये भी हमने आपको दिखाया। अब जरा दुनिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का संकट एक साथ पूरी दुनिया के ऊपर अटैक कर रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट पे आ चुके हैं। 22 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका नजर आ रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 32,000 हो गई है। 6,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित अमेरिका में। ब्रिटेन का हाल भी हम आपको बता रहे हैं, 847 संक्रमितों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को मदद मिल रही है। अहम खबर जो इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब मदद की जा रही है। इसके पहले भी इमरान खान सामने आए थे और उन्होंने यही कहा था कि वर्ल्ड बैंक को हमारी मदद करनी चाहिए, न सिर्फ हमारी, जितने भी गरीब देश हैं कोरोना के संकट काल में मदद की जानी चाहिए। फ्रांस का हाल आप देखिए, 741 मामले पिछले 24 घंटे में यहाँ पर सामने आए हैं।